that's a little taste of where we're headed with phase six. And of course, once we have gotten through phase four, phase five, phase six, that will complete the second saga of the MCU, which is, of course, the multiverse saga. तो आज मैं बात करूंगा कि मार्वल स्टूडियोज़ SDCC यानी कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो वहाँ पे वो लोग क्या बता सकते हैं। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो कि एको की एक्ट्रेस है एलेक्वा कॉक्स, उन्होंने अपने स्नैपचैट पे Q&A रखा था। तो उन्हें क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि July 22 को वो अटेंड करेगी SDCC यानी कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन। तो एक तरीके से उन्होंने टीस किया है कि मार्वल स्टूडियोज अटेंड करने वाला है SDCC। तो देखो ये कंफर्म नहीं है, उन्होंने एक तरीके से टीस किया है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा एक बार ऑफिशियल साइट से यानी कि SDCC की तरफ से, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, अकॉर्डिंग टू मी SDCC में इस साल मार्वल स्टूडियोज जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर जाएगा तो वहाँ पे SDCC में मार्वल स्टूडियोज क्या क्या रिवील कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले वो लोग रिवील करेंगे फेज सिक्स के बारे में। तो फेज सिक्स के बारे में तो उन लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सी मूवीज़ आएगी, बट हाँ वो लोग अपडेट स्लेट लेके आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि कुछ और भी डिस ऐड कर सकते हैं वो लोग, सीरीज़ के नेम बता सकते हैं कि ये सीरीज़ आएगी, और अनाउंसमेंट हो सकती है कास्ट की, फैंटास्टिक फोर के कास्ट की अनाउंसमेंट वहाँ पे हो सकती है। और हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिले हो, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को कम लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ डिले होगा, बट फिर भी लोग बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि याद रहना चाहिए हमें, वरना लास्ट टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि अरे ये डिले हो गया, मैंने तो कहा था कि डिले नहीं हो सकते। डिले हो सकते हैं क्योंकि राइटर्स के स्ट्राइक चालू है और भी प्रॉब्लम्स चालू है बैकग्राउंड में, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता है कि कुछ डिले होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। और हाँ, फैंटास्टिक फोर की कास्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी इस साल अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मार्वल स्टूडियोज SDCC में क्या बता सकता है क्या नहीं बता सकता है। ज़्यादा दूर का वो लोग नहीं बताएंगे, जो करंट चल रहा है फेज फाइव उसके बारे में और थोड़ा बहुत फेज सिक्स के बारे में, और कुछ ना कुछ रिलीज़ करेंगे जो कि ऑफलाइन देखने मिलेगा वहाँ पे। अगर हमारी नसीब अच्छी रही तो वो लोग ऑनलाइन डाल सकते हैं दी मार्वल्स का ट्रेलर, ऑनलाइन डाल सकते हैं न्यू वाला लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर हमें देख से मिल सकता है। लेट्स सी के देखने मिलता है कि नहीं मिलता है। दी मार्वल्स को लेके मैं कंफर्म हूँ कि हमें न्यू ट्रेलर देखने मिल जाएगा SDCC के बाद ही। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या लगता है क्या नहीं लगता है। वैसे दूर है जब मतलब SDCC आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि July 22 को होने वाला है, तो July 22 को अभी टाइम है, तो उसके पहले कुछ ना कुछ हमें पता चलते रहेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होगी, डेट याद रखो July 22। तो इस वीडियो को लाइक करो, और क्यों नहीं बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।